हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैकिंग कोड्स। तो यार आज ट्रायंगल पैटर्न देखते हैं कि ट्रायंगल सपोज ये वाला है पैटर्न, तो ये कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, वही अपना रूल कि अपना ग्रिड्स बना लो। फटाफट से मैं ग्रिड बना लेता हूँ। फिर वही नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब यार वही आउटर लूप देखते हैं पहले। ठीक है, अब आउटर लूप है हमारा नंबर ऑफ रोज के लिए। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 5। ठीक है, अब अंदर वाला लगाने से पहले एक चीज नोटिस करो यार, कि जो तुम्हारा ये पहला वाला सेल है, ठीक है, 1,1, इस पे क्या प्रिंट हो रहा है? स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 1,2 पे कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है, 1,3, 1,4, किसी पे 5 तक कुछ भी नहीं। ठीक है, सिमिलरली यार, अब सपोज करो ये जैसे अपनी आई की वैल्यू थी, जे की थी, आई की वैल्यू हो गई 2, यानी कि हम सेकेंड रो में चले गए। 2,1 पे भी यार अपना स्टार है। ठीक है, 2,2 पे स्टार है, फाइन। उसके बाद फिर तुम्हारा कुछ भी प्रिंट नहीं है 5 तक। ऐसे यार 3 तक देखो, 3,1, 3,2, 3,3, सब पे स्टार है। अब यार मेरे को एक बात बताओ, तुम जिस रो में हो, गौर से देखना, उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। देखो, पहले में हो, 1 स्टार प्रिंट हो गया, दूसरे में हो, 2 स्टार प्रिंट हो गया, तीसरे में हो, 3 प्रिंट हो गए। ठीक है, तो यार एक काम करते हैं हम, कि फॉर जे इक्वल टू 1 से चलाते हैं। ठीक है, सपोज करो हमने 1 से चला दिया। अब यार कितनी बार चलना चाहिए इनर वाला लूप? इनर वाला लूप चलेगा कि तुम्हें जितनी बार स्टार प्रिंट करने हैं। स्टार तुम्हें कितनी बार प्रिंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ रोज टाइम। और नंबर ऑफ रो हमें किससे मिलती है? बाहर वाले फोर से, जो कि हम आई से चला रहे हैं। ठीक है, तो जे को यार मैंने कह दिया कि जे हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए आई के। जे इज लेस देन इक्वल टू आई, समझ रहे हो? तो ये हो गया जे प्लस प्लस, यहां पे हमने लगा दिया। अब यार वही सी प्लस प्लस के लिए सी आउट और स्टार, और जावा के लिए आउट डॉट प्रिंट स्टार। ठीक है, ये वाला हमने कर दिया क्लोज। अब यार अब क्या करना है तुम्हें? वही लाइन चेंज करनी है। क्या पहला स्टार प्रिंट हो, उसके बाद तुम्हारी लाइन चेंज हो जाए, सिमिलरली दूसरा प्रिंट हो, लाइन चेंज हो जाए। लाइन चेंज करनी है, लाइन चेंज के लिए सी आउट एंडल या ये हो गया तुम्हारा जावा का। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए लिख देता हूं मैं सी प्लस प्लस जावा। ठीक है, ये हमने ये वाला क्लोज कर दिया। ठीक है, अब एक बार यार खुद से ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, कि यार हो क्या रहा है एक्चुअल में। सपोज करो तुम्हारी पहली बार आई की वैल्यू है 1। ठीक है, इसको हाँ आई की वैल्यू है 1। ठीक है, अब लूप गया यार अंदर,
जे की वैल्यू भी पहली बार वन है, जे कहां तक चलेगा, आई तक, आई के बराबर या इक्वल। तो कितनी बार चलेगा भाई, पहली बार तुम्हारी आई की वैल्यू थी वन, तो एक बार चलना चाहिए, तो एक बार स्टार प्रिंट हुआ, बाहर आया लूप, उसने एंडल किया, नेक्स्ट लाइन में चला गया। चलो आई की वैल्यू फिर वापस कर ऊपर क्या कंट्रोल, आई की वैल्यू कितनी हो गई, दो हो गई। अब जे की वैल्यू दोबारा वन से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, आई तक जाएगी, कितनी बार चलेगा, आई की वैल्यू थी दो, कितनी बार चलेगा, दो बार, तो दो बार स्टार प्रिंट हो गया, पहली बार एक हुआ, दोबारा फिर से एंडल हो गया, कर्सर तुम्हारा यहाँ पहुंच गया, ठीक है। फिर ऐसी आई की वैल्यू हो गई तीन, सिमिलरली तीन बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही तुम्हारा पांच बार तक चलता रहेगा, और रिक्वायर्ड पैटर्न तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। जैसी आई की वैल्यू पांच होगी, कंट्रोल बाहर आ जाएगा, कंट्रोल यहां पे आएगा, और तुम्हारा रिक्वायर्ड पैटर्न तुम्हें प्रिंट मिलेगा। ठीक है यार, ऐसी और वीडियोस के लिए यार सब्सक्राइब कर देना, शेयर और लाइक कर देना। चलो थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।